गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हार्दिक शर्मा आपका स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे आज के प्रेजेंटेशन में। आज हम लोग कवर करेंगे 2 तारीख का सारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन और सबसे पहले देख लेते हैं हमारा पहला करंट अफेयर। दोस्तों जापान जो है इंडिया को 3,500 करोड़ रुपए का COVID-19 क्राइसिस इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट दे रहा है। ऐसे मुश्किल समय में इंडिया की जापान मदद कर रहा है और 3,500 करोड़ रुपए का इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट जो है जापान प्रोवाइड करवा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक यानी EIB ने 650 मिलियन यूरोस का इन्वेस्टमेंट प्रपोज करा है कानपुर के पहले सिटी मेट्रो लाइन में। तो ये यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला ऐसा इन्वेस्टमेंट है इंडिया के किसी भी प्रोजेक्ट में, जो कि कानपुर की पहली मेट्रो लाइन जो है कंस्ट्रक्ट हो रही है उसमें यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने 650 मिलियन यूरोस का इन्वेस्टमेंट किया है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी आप जानते हैं दोस्तों 29 तारीख को नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पे काफी पुरस्कार दिए गए हैं और उसी में एक कैटेगरी होती है अवार्ड्स की, वो होती है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो इसी के तहत जो एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है उसे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। जो ये एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है यानी AFSB जो है, ये एक कंट्रोलिंग बॉडी है जो कि प्लानिंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कंडक्ट करवाती है एयरफोर्स में। तो इस बोर्ड को यानी एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से इस साल नवाजा गया है। उनके स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए एयरफोर्स में इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो प्रमोट करता है, इनकी इसी स्टेप्स को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी दोस्तों ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल होने वाला है। ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल का 16th एडिशन जो है वो होने वाला है और ये होगा सितंबर 24 से 4 अक्टूबर के बीच में। तो इस ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में फ्रेंच स्टार है जूलियट बिनोचे, इन्हें गोल्डन आइकॉन अवार्ड है जो कि दिया जाएगा इस फेस्टिवल में। फ्रेंच स्टार हैं, काफी फेमस स्टार हैं, 56 इयर्स की हैं ये जूलियट बिनोचे और इन्हें इस साल गोल्डन आइकॉन अवार्ड से जो है ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में नवाजा जाएगा। आगे देखते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक विंग है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने वर्ल्ड का लार्जेस्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री जो है वो डेवलप करा है और उसे अपने ही एक सेंटर पे यानी दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है वहां पे इसको एस्टेब्लिश किया गया है। तो ये जो सोलर ट्री है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री है और इसके बारे में हम थोड़ा जाने या थोड़ा स्पेसिफिकेशन देखें तो ये जो सोलर ट्री है ये इसकी जो कैपेसिटी है वो है 11.5 किलोवाट पीक, मतलब अपने पीक पे ये 11.5 किलोवाट पावर जनरेट करता है। और इससे अगर हम इसके एनुअल कैपेसिटी देखें तो 12,000 से 14,000 यूनिट की ये क्लीन और ग्रीन पावर जो है जनरेट करता है। हर एक ट्री पे 35 सोलर पैनल जो है फोटोवोल्टिक पैनल जो है वो लगे होंगे। तो बहुत अच्छी पहल है और इसके तहत काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी, एक सेफ एनर्जी और क्लीन एनर्जी जो है वो जनरेट हो रही है। आगे देखते हैं दोस्तों, आईआईटी मद्रास की एक स्टार्टअप है, उसने नैनो टेक्सटाइल कोटिंग जो है डेवलप करी है और ये कोरोना वायरस को इनएक्टिव करने में इफेक्टिव है। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ये जो नैनो टेक्सटाइल कोटिंग है ये
या तो डिस्ट्रॉय कर देती है या इनएक्टिवेट कर देती है वायरस को, ऐसे वायरस को जो कि 30 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। तो इतनी कैपेबल है ये कि 30 नैनोमीटर के वायरसेस को भी जो है, और वायरस या अदर माइक्रोब्स को भी इनएक्टिव और डिस्ट्रॉय करने में ये सक्षम है। इसको यूज कर सकते हैं कॉटन पॉलिएस्टर को कोट करने के लिए। तो ये आईआईटी मद्रास की पहल है। आगे देखते हैं, हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी जो हैं, इन्होंने अभी रिव्यू करा है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड को। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है कि ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ये क्या कर रहा है। तो हम थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। देखिए, एक इंडियन गवर्नमेंट की बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। ये एक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और इस रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जो टोटल लेंथ है वो है 3060 रूट किलोमीटर। तो ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की ये टोटल लेंथ है और इसके दो पार्ट है, एक है वेस्टर्न डीएफसी यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर और दूसरा है ईस्टर्न डीएफसी। वेस्टर्न डीएफसी में 1504 रूट किलोमीटर का जो है डेवलपमेंट होना है और ईस्टर्न डीएफसी में 1856 रूट किलोमीटर का डेवलपमेंट होना है। इस प्रोजेक्ट की जो ओवरऑल कॉस्ट है वो आएगी 81,459 करोड़ और डीएफएससीआईएल जो है यानी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड जो है, ये इस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जो है मॉनिटर कर रहा है, डेवलप कर रहा है, सारे कंस्ट्रक्शन जो है वो डीएफएससीआईएल के थ्रू जो है इसमें हो रहे हैं। अगर हमें इसको शॉर्ट में इसको समराइज करना चाहें तो इसको इतना बोल सकते हैं कि जो डीएफसी है यानी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है, ये इंडिया का लार्जेस्ट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि 3,360 रूट किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों, अभी आप जानते हैं कि पिछले दिनों अभी प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है, तो एक छोटा सा डिस्कशन उनके लाइफ के बारे में हम लोग कर लेते हैं। प्रणब मुखर्जी दोस्तों इंडिया के 13th प्रेसिडेंट थे और उन्होंने प्रेसिडेंट रहने से पहले यूनियन फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, कॉमर्स और फाइनेंस मिनिस्टर की प्रोफाइल जो है वो भी सर्व करी हैं। इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 में बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, वहां पे हुआ था। अगर इनके अचीवमेंट्स की बात करें तो 1997 में इन्हें बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड मिला था, पद्म विभूषण सम्मान इन्हें 2008 में मिला था और इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न अवार्ड इन्हें पिछले साल 2019 में मिला था। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन में हमने दोस्तों 2 तारीख का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर किया। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।